बाद सीबीएसई बोर्ड 2023 का जितने ही बच्चे एग्जामिनेशन दे रहे हैं पूरा वीडियो ध्यान से जरूर देखिएगा। लाइक आपके आपको पता ही होगा सीबीएसई में क्राइटेरिया होते हैं, पास या फेल का भी क्राइटेरिया होता है ना, आपके पर्टिकुलरली 6 सब्जेक्ट होते हैं या फिर 5 सब्जेक्ट होते हैं बेसिकली। तो इसके रिगार्डिंग सीबीएसई ने एक बड़ी अपडेट निकाली है। कई सारे बच्चों को उनमें डाउट रहता है, भैया मेरा ये सब्जेक्ट वीक है तो उसमें पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, फेल तो नहीं हो जाऊंगा, फिर मार्क्स कम तो नहीं आएंगे। तो इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग सीबीएसई ने बड़ी अर्जेंट अपडेट निकाली है कि पास और फेल का क्राइटेरिया सीबीएसई एक तरफ से हटाने वाली है। कि जैसे मान लीजिए लाइक क्यों लाइक हटाने वाली, वो किस तरह हटाए कि मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके जो 6 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट जो मेन सब्जेक्ट्स हैं एंड अदर जो स्किल वाले सब्जेक्ट्स हैं, स्किल वाले सब्जेक्ट्स आपको पता होगा कौन से सब्जेक्ट स्किल्स वाले होते हैं, अगर आपने उनको ऑप्ट कर रखा है, उनको कर रखा है, मान लीजिए आपने 8 सब्जेक्ट ले रखे हैं, तो 8 में से किसी 5 या 6 का भी जितने का आपका मेन सब्जेक्ट होता है, जितने आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए आपके 5 सब्जेक्ट मेन होते हैं और आपने 8 सब्जेक्ट ले रखा है, तो आपके 8 में से कोई 5 सब्जेक्ट का परसेंटेज बनाकर सीबीएसई अपलोड करेगी, आपका रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। तो इसमें पास या फेल का कोई क्राइटेरिया नहीं। मान लीजिए आपका एक सब्जेक्ट मेन में से कोई एक सब्जेक्ट अगर ख़राब भी हो गया तो आपने अगर स्किल सब्जेक्ट्स में अच्छा किया है तो आपका स्किल का सब्जेक्ट काउंट हो जाएगा। तो परेशानी है कोई बात नहीं, पूरा पूरा लगन से पढ़ाई करिए और 1 महीना आपके पास टाइम बचा हुआ, प्रैक्टिकल्स भी आपके चल रहे होंगे एंड जेई मेंस का एग्जामिनेशन भी है 12th वाले बच्चों का, तो प्लीज़ अपना पढ़ाई करिए एंड ऑल द बेस्ट जेई मेंस फॉर जेई मेंस एग्जामिनेशन। एंड जितने बच्चे प्रैक्टिकल दे रहे हैं 10th या 12th वाले, 10th वालों का बेसिकली इंटरनल असेसमेंट होगा, 12th वाले बच्चों का प्रैक्टिकल्स चल रहा होगा, तो ध्यान से दीजिएगा। मिलते हैं आगे वीडियोस में, तब तक के लिए स्टे से बाय बाय। एंड एक चीज़ और, सीबीएसई का जो ये अपडेट है, अभी सीबीएसई ने कहीं सर्कुलर जारी नहीं किया, जैसे सर्कुलर जारी होगा मैं आपको बता दूंगा। मिलते हैं आगे वीडियोस में, बाय बाय।